दोस्तों आजकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटी माइक्रोबियल की कैटेगरी है, एंटी बैक्टीरियल की कैटेगरी है, वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो मेडिसिन किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक एंटीबायोटिक कम्बिनेशन की बात करने वाले हैं जो कि हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। दोस्तों ये कम्बिनेशन है सेफोडॉक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स का। ये दोनों कम्बिनेशन में आती हैं और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में, इसके ब्रांड्स के कितने हैं, इसके कौन कौन से ब्रांड्स, एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं पर दो चार ब्रांड्स हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसके यूजेस देखेंगे, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये किस कम्बिनेशन में आती है, इसकी डोज क्या होती है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे जो सेफोडॉक्सिम होता है वो एक प्रकार का थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है जो कि सिफिक्सिम की कैटेगरी में आता है। दोस्तों ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज किया जाता है पर इसको और भी कुछ जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम ओफ्लॉक्सासिन की बात करें तो एक प्रकार का फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया के रिपेयर को रोकता है। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी सेल वाल है वो उसको बनने नहीं देता है। कहने का मतलब सेफोडॉक्सिम जितना भी तोड़ेगा और ओफ्लॉक्सासिन उस चीज़ को जुड़ने नहीं देगा और इस तरह से ये दोनों लोग मिलकर के बहुत आसानी से किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों अगर इसके हम कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करें कि इसकी कौन कौन सी ब्रांड्स आती हैं तो ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं पर दो चार का मैं नाम लूँगा। जैसे ये मैकपॉड ओ के नाम से आती है एंड सीपोडम ओ के नाम से आती है एंड जेडोसेल ओ के नाम से आती है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, आप कोई भी ब्रांड्स ले सकते हैं, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकते हैं। कोशिश करें अगर आपको जेनरिक मिलते हैं तो आप जेनरिक ले लें क्योंकि वो ज़्यादातर अच्छे होते हैं। दोस्तों इसका अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो इसकी दो कम्बिनेशन आती है, एक 100 mg की कम्बिनेशन आती है, एक 200 mg की कम्बिनेशन आती है। 100 mg में आपका सेफोडॉक्सिम भी 100 mg होता है और ओफ्लॉक्सासिन भी 100 mg होता है और ये एक प्रकार की पेडियाट्रिक मेडिसिन होती है, बच्चों के लिए बनाई गई मेडिसिन होती है। वहीं पे जो दूसरा कम्बिनेशन आता है वो 200 mg का होता है जो कि सेफोडॉक्सिम भी 200 mg होता है, ओफ्लॉक्सासिन भी 200 mg होता है और ये मेडिसिन एडल्ट के लिए बनाई होती है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर अगर हम बच्चों में यूज कर रहे हैं तो 100 mg का यूज करेंगे और एडल्ट में यूज कर रहे हैं तो 200 mg का यूज करेंगे। अब अगर इसके यूजेस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है पर और भी बहुत सारे इन्फेक्शन में हम लोग इसको करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मतलब जैसे आ सकता है ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन है, ब्रोंकाइटिस है, तब इसका यूज किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है, फारिंगाइटिस में इसका यूज किया जाता है। इन सब बीमारियों में क्या होता है कि आपकी जो श्वास नली है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जो टॉन्सिलाइटिस है उसमें आपके टॉन्सिल्स में ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग न्यूमोनिया में भी करते हैं और न्यूमोनिया में ज़्यादातर इसका यूज कभी कभी किया जाता है और हर प्रकार के एंटीबायोटिक का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो न्यूमोनिया में होता क्या है कि आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न होती है, दर्द होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ और भी जगह पे किया जाता है, जैसे इसका यूज़ हम लोग गोनैड इन्फेक्शन में भी करते हैं। गोनैड इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपके जनन अंगों के, आपके उत्सर्जन अंगों के भी जो है इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। जैसे इसका यूज़ हम लोग यूटीआई में करते हैं। अब यूटीआई में जैसे हो गया कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेटर से मतलब मूत्राशय से और मूत्र नालिका से, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं अगर आपको इन्फेक्शन है तो। अगर आपको निचले पेट में दर्द हो रहा है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तब हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। दोस्तों इसका यूज ईयर इन्फेक्शन में भी किया जाता है या ईयर इन्फ्लामेशन में भी किया जाता है, जिससे होता क्या है कि कान से अगर पानी बह रहा है, कान से पस आ रहा है, तब भी हम लोग इसका कभी कभी यूज करते हैं। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जैसे पहली डिजीज़ में नाम लूँ तो सर्वाइटिस होता है। सर्वाइटिस में जो क्या है कि इसमें
जो फीमेल गोनेड्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे पेन होता है और इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। इनमें हम पीआईडी में भी यूज करते हैं, मतलब पैल्विक इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं। पैल्विक इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, खास करके फीमेल को ही होता है। मतलब पेल्विक पार्ट में अगर पेन हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है और यूरिनेशन के समय में टाइम आ रही, मिग्रेशन के समय में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, तब हम लोग इस मेडिसिन का यूज करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज क्लेमाइडिया, गोनोरिया, इन सारे डिजीज में भी किया जाता है। आपको बता दें कि कभी कभी ये मेडिसिन का कम्बिनेशन टाइफाइड में भी यूज किया जाता है, और टाइफाइड में जब दूसरी मेडिसिन काम नहीं करती हैं तब हम लोग इस मेडिसिन का यूज करते हैं। लास्ट में अगर इसके थोड़े से यूज और बताएं तो, क्योंकि देखिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वजह ये है क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको आई, ईयर, बोन, जॉइंट्स, इन सब से रिलेटेड कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब वहाँ पर हम लोग इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। हमने यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लिया है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डोज की, इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे 100 mg की टेबलेट जो होती है वो 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को दिया जाता है, जो कि बीडी दिया जाता है, सुबह शाम दिया जा सकता है, ठीक है। और एडल्ट की बात करें तो 200 mg की टेबलेट दी जाती है, इनको भी बीडी दी जाती है और खाना खाने के बाद दी जाती है। और दोनों की अगर हम बात करें कि टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, तो 5 से लेकर के 7 दिन तक हम इसको दे सकते हैं। इन्फेक्शन अगर सही नहीं होता है तो 14 दिन तक भी इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी डोज होती है इस टैबलेट की। दोस्तों, अगर हम इसके बात करें कि क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पे ओफ्लॉक्सासिन है और ओफ्लॉक्सासिन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। जब हम लोगों ने इसके पहले भी ओफ्लॉक्सासिन का वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता, तो बिल्कुल आप इसे प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कुछ इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की, कि आखिर इनके साइड इफेक्ट क्या दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। अगर लंबे समय तक लिया जाता है तो नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, उकाई आ सकती है, डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है, एबिडोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, पेट में गैस देखने को मिल सकता है, और इसकी वजह से हार्ट बर्न की शिकायत भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, साथ में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है साइड इफेक्ट जो सिप्रोडॉक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी दे दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।